वालेकुम, नमस्कार, आदाब। तो दोस्तों के हिसाब से लोग आपसे भी एक नए वीडियो में फिर से वेलकम है। तो जैसा कि मैंने बहुत सारी वीडियोस में आप सभी लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी है लग्जमबर्ग कंट्री के बारे में, तो सभी लोगों का यही क्वेश्चन थे कि सर हमें जो है कोई एम्प्लॉयमेंट एजेंसी ऐसी बता दीजिए जिनके थ्रू हम लग्जमबर्ग का वर्क परमिट ले लें। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको एक नहीं दो नहीं टोटल 10 एम्प्लॉयमेंट एजेंसी बताने वाला हूँ, 10 एम्प्लॉयमेंट एजेंसी बताने वाला हूँ जिनके थ्रू आप लग्जमबर्ग का वर्क वीजा ले सकते हो और 10-15 लाख रुपया खर्च नहीं आएगा आपका, सिर्फ 1-2 लाख रुपये भी आपका काम हो जाएगा। तो वीडियो में दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और जो मैंने आपको अपना नया यूट्यूब चैनल बताया था और बहुत सारी वीडियो तो मैंने आपको दिखा भी दिया उस यूट्यूब चैनल को, तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। उस पर भी काफ़ी अच्छी वीडियोज़ मैं अपलोड कर रहा हूँ और अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं थाईलैंड आया हुआ, तो सब वीडियोज़ जो है इसी चैनल पर आ रही है। ठीक है, जो चैनल है ना सोलो ट्रेवलर शहबाज, इसी चैनल पर सारी वीडियोज़ आ रही है अभी थाईलैंड की। आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल का जो लिंक है मैं आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी ऐड कर दूंगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप, इस पर सब वीडियोज आपको देखने के लिए मिलती रही। तो इस चैनल पर मैं वीडियोज अपलोड कर रहा हूँ पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, और जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरी थाईलैंड में गर्लफ्रेंड है तो उनके साथ ही सारी वीडियोज आ रही है और थोड़ा सा उसमें फनी बोल रहा हूँ मैं और थोड़ा मजाखोरी की वीडियो है। और थाईलैंड में तो देखिए ये सब चलता है, तो यहाँ की जो वीडियोज है आप सभी लोगों को भी इसी तरह की पसंद आएगी, इसलिए मैं उसी तरह की वीडियोज बना रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों को थोड़ा सा मैं यहाँ से व्यू दिखा देता हूँ बैंकॉक सिटी का, क्योंकि मैं बैंकॉक में हूँ, जो मेरी गर्लफ्रेंड है ना वो बैंकॉक में रहती है और आज तो मतलब मम्मी पापा से मिलने गई अपने, तो आज मैं घर पर अकेला हूँ तो मैंने सोचा कि आज ये वीडियो बनाकर आप सभी लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो बैंकॉक सिटी है थाईलैंड की और इस वक्त मैं अपने होटल में हूँ। तो जो मेरी गर्लफ्रेंड है उसका नाम अरन्या है और वो मतलब आज गई हुई है, सुबह बस्ती उनकी 4 बजे और जो है कल आ जाएंगी 4-5 बजे तक आ जाएंगी शाम को, तो फिर वीडियो उनके साथ में आपको देखने की मिलेगी। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ इस एम्प्लॉयमेंट एजेंसी के बारे में, जो 10 एम्प्लॉयमेंट ऐसी मैं आपको बता रहा हूँ कि हाँ भाई 10 एम्प्लॉयमेंट एजेंसी जो आपको लग्जमबर्ग का वर्क वीज़ा प्रोवाइड कर दी कम से कम पैसे में। तो सारी डिटेल मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ इन एम्प्लॉयमेंट एजेंसी के बारे में। तो दोस्तों अब जो है मैं आपको सारी एम्प्लॉयमेंट एजेंसी वन बाई वन बताऊंगा, तो आप जो है दोस्तों एम्प्लॉयमेंट एजेंसी में अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई किस तरह से आपको करना होता है एम्प्लॉयमेंट एजेंसी में वो मैंने आपको बहुत सारी वीडियो में बता दिया। तो दोस्तों सबसे पहली जो हमारी एम्प्लॉयमेंट एजेंसी है उसका नाम है एंडरसन वाइज रिक्वायरमेंट एज एग्जीक्यूटिव सर्च, ये एम्प्लॉयमेंट एजेंसी है और सभी एम्प्लॉयमेंट एजेंसी का नाम जो है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में ऐड कर दूंगा। ये सभी एम्प्लॉयमेंट एजेंसी इंडिया की नहीं है और इन सभी एम्प्लॉयमेंट एजेंसी में बहुत सारी जॉब निकली हुई है, बहुत सारी जॉब निकली हुई है, चाहे स्किल कैटेगरी हो, अनस्किल या फिर लेबर कैटेगरी की। उसके बाद जो हमारी सेकेंड एम्प्लॉयमेंट एजेंसी है उसका नाम है ABOMIS, आप जो है नाम ध्यान से सुन लेना फिर बाद में आप ये मत बताना कि हमें बताया नहीं। तो दो एम्प्लॉयमेंट एजेंसी हमारी हो गई। तीसरी जो हमारी एम्प्लॉयमेंट एजेंसी है उसका नाम है हैज, आप यहां पर देख सकते हैं हैज कैबिनेट रिक्वायरमेंट लग्जमबर्ग। उसके बाद जो हमारी फोर्थ नंबर की एम्प्लॉयमेंट एजेंसी है उसका नाम है डू रिक्वायरमेंट एडवाइजर, ओके ये आप हमारी फोर्थ नंबर की एम्प्लॉयमेंट एजेंसी देख सकते हैं। उसके बाद में हमारी जो फिफ्थ नंबर की एम्प्लॉयमेंट एजेंसी है दोस्तों उसका नाम है माई जॉब बेस्ट, ये आप देख सकते हैं। 5 एम्प्लॉयमेंट एजेंसी मैंने आपको बता दिए और 6 नंबर की जो हमारी एम्प्लॉयमेंट एजेंसी है 6 नंबर की वो है रेड ब्रिज रिक्वायरमेंट। इन एम्प्लॉयमेंट एजेंसी में देखो आपको अप्लाई किस तरह से करना होगा मैं आपको बता देता हूँ, अप्लाई किस तरह से करना है जितनी भी एम्प्लॉयमेंट एजेंसी में आपको बता रहा हूँ, गूगल पर जाकर नाम सर्च करना आपको एम्प्लॉयमेंट एजेंसी देखने की मिल जाएगी, डायरेक्टली वेबसाइट पर विजिट करना आपको, डायरेक्टली उनकी वेबसाइट पर जाओ सर्च करो कौन कौन सी जॉब निकली हुई है, उसके बाद में अगर आपके फील्ड की जॉब निकली हुई है आप ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिए, उनका जो एप्लीकेशन फॉर्म रहता है उसको फिलअप करके सीवी का लेटर यूरोपास का सेंड करना है आपको, ओके। और अगर आपको करियर पेज नहीं मिलता डायरेक्टली जो कंपनी की ईमेल आईडी है इन रिक्वायरमेंट एजेंसी की ईमेल आईडी है उन पर अपना सीवी का लेटर बायोडाटा सेंड करना है। अब दोस्तों देखो बहुत सारे लोग ना क्वेश्चन ये रहता है कि लग्जमबर्ग के लिए कितना खर्च आएगा, तो भाई अगर आप किसी एम्प्लॉयमेंट एजेंसी के थ्रू जाओगे ना जो लग्जमबर्ग की है तो आपका खर्च सिर्फ 1-2 लाख रुपये आता है, ज्यादा नहीं आता है। और वो देखो डिपेंड होता है एम्प्लॉयमेंट एजेंसी के बारे में मतलब कितना वो चार्ज कर रही है, वो आपको तब मालूम पड़ता है जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, बट आपका जो काम है वो ये है कि आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। उसके बाद जो हमारी 7th नंबर की एम्प्लॉयमेंट एजेंसी उसका नाम है मैन पावर, ये भी काफ़ी अच्छी एम्प्लॉयमेंट एजेंसी है, लगभग 7-8 साल पुरानी एम्प्लॉयमेंट एजेंसी है। उसके बाद जो हमारी एम्प्लॉयमेंट एजेंसी उसका नाम है ऑस्टिन ब्रिज SARL,
उसके बाद में हमारी 9th नंबर की एम्प्लॉयमेंट वो है एक्सिस लग्जमबर्ग, ये भी काफ़ी अच्छी एम्प्लॉयमेंट है। देन जो हमारी लास्ट एम्प्लॉयमेंट है वो है के आर रिक्वायरमेंट, ये लगभग 10 साल पुरानी एम्प्लॉयमेंट है। तो इन सभी एम्प्लॉयमेंट ये वेब जो नाम है मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में ऐड कर दूंगा, आप जो है डायरेक्टली एप्लीकेशन कर देना। बाकी देखो आप कोई भी क्वेश्चन है क्यूरीज आप करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, क्योंकि देखो मैं थाईलैंड में तो अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ जो नया चैनल है उस पर, और जैसे मैंने आपको बताया कि उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि बहुत सारे वीडियोस उसी पर आ रहे हैं। और अभी देखो ज़्यादा मेरा पास मतलब पर्सनली से टाइम है नहीं कि मैं किसी से बात करूँ, क्योंकि मैं उस चैनल पर थोड़ा ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा एंटरटेन भी कर सकूँ, यही रीज़न है उस चैनल को शुरू करने का। और देखो यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा व्यू दिखा देता हूँ इस होटल का, तो ये होटल है जिसमें मैं रुका हुआ हूँ और सारी चीज़ें वैसे इसमें अवेलेबल है। और ये जो होटल है ये भी मतलब 1500 रुपये से लेकर 2000 रुपये के बीच में आपको मिल जाएगा, सारी फैसिलिटीज़ में अवेलेबल है। तो मतलब थाईलैंड वगैरह अगर आप घूमना आ रहे हो या प्लान आपका घूमने का थाईलैंड में तो इस होटल में आप रुक सकते हो। इस होटल का जो नाम है वो है अरावना एक्सप्रेस, और ये मतलब यहाँ का एक जो फेमस टूरिस्ट स्पॉट है नाना प्लाजा, उसके पास में 3 किलोमीटर दूर है। मैंने तो इस होटल को इसलिए बुक किया क्योंकि जो मेरी गर्लफ्रेंड है अरण्या, उनका जो घर है यहाँ से मतलब 3 ही किलोमीटर दूर है, तो बहुत पास में है, तो फटाफट मैं उनसे चले जाता हूँ जब भी वो मुझे बुलाती है कि हाँ यहाँ पर आ जाओ या इस प्लेस पर आ जाओ, तो इसलिए मैंने पास में बुक किया था। तो चलिए मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूँगा, और शायद इस चैनल पर अब मतलब वीडियोज़ कम आएगी, जो नया चैनल है उस पर ज़्यादा वीडियोज़ आ रही है, तो उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है।